नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है बड़ी मुद्दतों बाद में छह महीने हो गए ठीक नहीं रहती मेरी चलो कोई नहीं। मैं में का एक सैम्पल वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर ऑटोमेशन का एग्जाम्पल लिया नहीं था तो अभी ये पैलल एग्जीक्यूशन में दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ये वीडियो रहेगा आप डेटा प्रोवाइडर के थ्रू और डेटा प्रोवाइडर थ्रेड काउंट के थ्रू कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं मैंने टेस्ट केस वगैरह सब लिख के रखे हैं अगर आपके सामने टेस्ट टेस्टकेसेस बनाने बैठता तो वीडियो डेढ़ घंटे का हो जाता तो मैंने ऑलमोस्ट सब बना के रख दिया है वही अपना जो डेमो एप्लीकेशन है ट्यूटोरियल्स इंजार डॉट कॉम स्लैश डेमो उसी के ऊपर ही मैंने टेस्ट केसेस बनाए हैं तो चलिए पहले टेस्ट केसेस दिखा देता हूँ पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको समझ में आ जाता होगा देखिए ये एक डेमो वेबसाइट है आप कोई भी ऑटोमेशन का डमी वेबसाइट डेमो वेबसाइट आप ओपन कीजिए माय अकाउंट लिंक पे क्लिक कीजिए रजिस्टर और लॉगिन ऑप्शन आएगा लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ईमेल आईडी डालिए पासवर्ड डालिए लॉगिन कीजिए फिर आपको लॉगिन पेज में जाना पड़ेगा आपको वैलिडेट करना पड़ेगा गलत ई एड्रेस वगैरह डालिए तो जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस हैं वो सब लिखिए आप उसको असर्ट कीजिए तो मैंने वो सारी चीज़ें कर दी हैं तो मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ें लिख ली हैं मैंने वो टेस्ट केसेस बना दिए हैं वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ इनवैलिड ईमेल वैलिड पासवर्ड के साथ वैलिड ईमेल इनवैलिड पासवर्ड के साथ लॉग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भी मैंने बना दिया है ठीक है देखिए मैंने ई मेल गलत लिखा है और पासवर्ड भी गलत लिखा है तो जो भी असन्स करना है मैंने कर दिया है उसके बाद मैंने डेटा प्रोवाइडर को एक क्लास बना के दिया है इसमें मैं रजिस्टर के बारे में बात करूंगा अभी पहले लॉग इन टेस्ट का डेटा प्रोवाइडर के बारे में बात कर लेते हैं सो so, ये डेटा प्रोवाइडर पे मैंने ज़्यादा डेटा नहीं लिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे सेवन लिखा होगा लेकिन यहाँ सेलेनियम फांडा से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आठ डेटा सेट लिया है मैंने तो इन सारी चीज़ों को मैं ऑटोमेट करूँगा अभी सो वी विल सी ये कैसे किया जाता है तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर क्योंकि दूसरे क्लास में है मैंने इसको इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के साथ लिंक भी उसी तरीके से कर दिया है और इसको पैरामीटराइज कर दिया इस मेथड को अकॉर्डिंगली ये काम करेगा तो देखिए अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ देखिए ये भी नॉर्मल डेटा प्रोवाइडर है तो ये पर्टिकुलर टेस्ट केस में रन करूँगा ठीक है मैंने लिख भी दिया है कि कौन से थ्रेड में वो पर्टिकुलर रन होगा तो मैं यहाँ पर रन लिख लेता हूँ तो रन पे क्लिक करते हैं रन हो है। आठ है टोटल सो so, आठ किसके से स्ट्राइप रन करेंगे देखते हैं एक सेकेंड हो, हो ही गया ऑलमोस्ट पांच छठा चल रहा है अभी सातवा सारे के सारे पास हो गए अब ये सारी के सारे टेस्ट केसेस एक ही थ्रेड पे रन कर रहे हैं, थ्रेड वन पे सारे के सारे पास हो गए ये पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं है ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है एक के बाद एक के बाद एक पैरेलल का मतलब ये है कि आठों के आठों एक साथ रन करेंगे इनमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये बाद में रन करेगा पहले रन करेगा ये एक साथ रन करेंगे आठों के आठों देखिए ये जनरली पास नहीं होगा एक पास होगा सातों फेल हो जाएंगे या दो पास होगा छह फेल हो जाएंगे ये पास नहीं होता क्योंकि सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और ये एप्लीकेशन डेमो एप्लीकेशन है लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं पैरेलली तो ये डेटा प्रोवाइडर क्लास पे जाइए यहाँ पे और ये डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन के यहाँ पैरेलल इक्वल टू ट्रू बस इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं करना इतना आपने लिख लिया क्योंकि ये पर्टिकुलर टेस्ट केस इस डेटा डेटा प्रोवाइडर से उठाता है तो आप जाइए यहाँ पे दोबारा देखिए टोटल टोटल कितने हैं आठ डेटा हैं ठीक है, है अभी इसको रन कीजिए देखिए आठों के आठों ब्राउजर्स ओपन हो गए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ क्योंकि टोटल आठ डेटा सेट है देखिए अभी कुछ कुछ रन कर रहे हैं कुछ कुछ तो गिवअप ही कर दिए हैं इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता मैं वेट कर रहा हूँ खत्म हो देखो सारे के सारे फेल हो गए स्किप हो गए अब क्यों स्किप हुए यहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या अनेबल टू लोकेट एलिमेंट लॉग ये लॉग एलिमेंट इनको दिख नहीं रहा ये वाला इनको दिख नहीं रहा क्योंकि तो इतना फास्ट हो रहा है कि आ नहीं पा रहा। या तो मैं थ्रेड डॉट स्लीप दे दूंगा लेकिन थ्रेड डॉट स्लीप में कितना काम करेगा वो मेरे को नहीं पता थ्रेड डॉट स्लीप दे देता हूं दो सेकंड का ठीक है सो थ्रेड डॉट स्लीप में इसको एड थ्रोस डिक्लेशन कर दिया अभी दोबारा रन करता हूं फिर से टाइम लेगा ये कोई बात नहीं रन करके देखते हैं एक बार फिर से फेल हो गए सारे के सारे ये और एक लास्ट अटेम्प्ट देंगे पहले इनको बंद कर दूं मेरा सिस्टम रोने लग गया है फैन की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्योंकि एक-एक क्रोम 300 300 एमबी रैम खाता है तो ये मेरा एआईओ है मेरे लैपटॉप में 32 जीबी रैम है लेकिन इसमें सिर्फ 16 जीबी रैम है तो ये आप तभी करें जब आपका सिस्टम उतना केपेबल है हार्डवेयर उसका उतना स्ट्रांग है कि ये सब लोड बर्दाश्त कर सकता है ये हटा के मैं और एक वेब ड्राइवर वेट देने की कोशिश करता हूँ वेब ड्राइवर वेट वेट इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट इसको ड्राइवर कॉमा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड्स दे देते हैं ठीक है वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन क्लास को बुलाते हैं नॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल इसको उठा के इधर डाल देंगे कंट्रोल सी तो फिर इसकी जरूरत नहीं है इसी में ही काम हो जाएगा तो एक बार फिर ट्राई करते हैं देखिए डेटा प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप देखो आठों के आठों खुल तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको एक भी ऐसा सीक्वेंस मिला नहीं है कि जो पास हो मैं डायरेक्टली अभी आउटपुट पे ही फोकस कर रहा हूँ वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है वही कुछ चेंज नहीं होना ये चीजें थोड़ा वो हो रही हैं तो एक साथ ही आठों को हैंडल नहीं कर पा रहा ठीक है।, है तो मैं अभी क्या काम करूंगा मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को लॉग इन टेस्ट को ही एक टेस्ट एन डॉट फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ सॉरी लॉग इन टेस्ट को ही टेस्ट एन में कन्वर्ट किया कन्वर्ट टू टेस्ट एन मैं टेस्ट एन डॉट लिखने की जगह एन लिखूंगा लॉग इन टेस्ट फॉर पैरल ठीक है, फिनिश कर दिया यहां पे आएंगे तो हम ये थ्रेड काउंट यहां से हटा देंगे ठीक है तो मैं यहां पर एक ये एट्रीब्यूट है डेटा प्रोवाइडर थ्रेड काउंट इसको अगर आप टाइप भी करना चाहें ना डेटा प्रोवाइडर थ्रेड काउंट इक्वल टू मैं दो देना चाहूंगा ज्यादा देना नहीं चाहूंगा दो इसलिए देना चाहूंगा कि दो दो रन करेंगे एक साथ आठ आठ रन नहीं करेंगे दो ही रन करेंगे ठीक है तो आप देखेंगे टोटल डेटा सेट आठ है और यहां जब मैं इसको दबाता हूं तो फटाक से आठों के आठों रन करने लगते हैं लेकिन ये सिर्फ दो रन करेंगे और बाकी ये तीनों टेस्ट केसेस तो वैसे भी रन कर जाएंगे टू प्रायोरिटी टू थ्री फोर फाइव वाले तो देखते हैं राइट क्लिक रन कृष्ण जी स्वीट देखिए इसके पास होने के चांसेस बहुत कम है तो अगले वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसको प्रॉपर तरीके से पास कैसे किया जाए ये भाई साहब तो मूवी नहीं हो रहे हैं दो दो खुल रहे हैं देखिए बात वही है कि दो खुल रहे हैं देखिए दो खुले पिछली बार हमने थ्रेड काउंट दिया था दो तो दो खुल रहे हैं हालांकि बाकी सारे स्किप हो गए नहीं ये काम नहीं कर रहा डमी एप्लीकेशन है ये वाला ऑप्शन एग्जीक्यूशन का मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करता इसीलिए कंपनीज इसको यूज नहीं करते हैं। अभी मैं वापस रजिस्टर डेटा में वो सारी चीजें करके सारे के सारे फेल नहीं दिखाना चाहता तो ये जो ऑप्शन है ये काम करता है बट ये हमेशा काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं तो ये भी एक तरीका है कि आप डेटा प्रोवाइडर में इक्वल टू करके इसको रन करो लेकिन जहां पर डेटा प्रोवाइडर कनेक्टेड होगा वही टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का हकदार होगा बाकी सारे सिक्वेंशियल मोड में आ जाएंगे अगर आप डेटा प्रोवाइडर के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हो कंट्रोल करना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ़ थ्रेड को तो आपको उस पर्टिकुलर आप आप अपने हिसाब से दे सकते हो फिर रन करवा सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलेगा देखो आपके सामने रन करा कोड एकदम सही है अगर सिक्वेंशली रन करूंगा तो एकदम फटाक से मस्त चल जाएगा ये बट मैं सीक्वेंशियली रन नहीं कर रहा बस इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये एग्जीक्यूट कैसे होगा तरीके से और ये तरीका क्यों ज्यादा पॉपुलर नहीं है उसको क्यों ज्यादा लोग यूज नहीं करते इस वीडियो में इतना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉमिस तो नहीं करा लेकिन कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो डालने की थैंक यू सो मच सार्थक ऑफ